नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। एक पत्रकार जो कि साधना न्यूज का है, सागर टीआई रीता सिंह और महिला पुलिसकर्मियों के बारे में गलत टिप्पणी कर वायरल करने पर टीआई रीता सिंह ने अपने स्टाफ के साथ उस पत्रकार को रोककर फटकार लगाई। ऐसे ही पत्रकारों की वजह से पत्रकार बदनाम हो रहे हैं। इस कारण से किसी भी पोस्ट को वायरल करने से पहले उसकी पुष्टि कर लेना चाहिए, जिससे किसी भी व्यक्ति को तकलीफ ना हो। क्यों किया? तू पहले बड़ा इसको डाला कैसे पे? क्यों डाला? तू मेरे और मोती नगर टीआई के बारे में लिख रहा, कौन से कुकर्म और कहां की भगोड़ी क्या समझ के रख लिया तुमने? तुमको क्या लिखने का अधिकार मिल गया? तो तुम किसी कैरेक्टर के बारे में तुमने लिखा कैसे? तू बता ना कैसे लिखा तुमने? बताओ जरा। मैं क्या क्षमा मांग रही? क्या क्या कोई तरीका नहीं है क्या? हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं दिन रात सुबह शाम नौकरी करते हैं, अपने बच्चे छोड़ करके तुम साले पुलिस वालों के लिए कुछ भी लिखोगे क्या? हम महिला हैं, हम कुछ भी लिख देंगे। बेइज्जती हो रही है, वो फॉरवर्ड करो सब ग्रुप में। क्या लिखा कैसे दिया तुमने? हम अपने बच्चे छोड़ के आदमी छोड़ के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम लोग दिन रात ड्यूटी की व्यवस्था करते हैं, तुमने हमको क्या लिख के दे दिया तुमने व्हाट्सएप पे? और किस आधार पे तुमने लिख करके दिया? किस आधार पे लिख के दिया तुम मुझे ये बताओ? हम दोनों के बारे में क्या लिखे करो? आप जोर से पढ़ो, सबको सुनाई देना चाहिए। जोर से पढ़ दे। दिल की सारी भी बता देती है सर। शुरू से पढ़, जोर से पढ़, जैसे तुम लोग उंगलियां चलाते ना वैसे पढ़ो जोर से। अब सहेलियां कॉम्पिटिशन पेपीया दिल सुनो, तुम लोग भी सुनो। लो महिला अधिकारियों के लिए क्या लिखते हैं ये पत्रकार हैं, बिना तथ्य के लिखते हैं। इधर इधर इनकी आवाज नहीं, मुंह से ये निकाल अपना पान और जोर से मर्द बन साले। हम लोग अपने बच्चे छोड़ के नौकरी करते हैं और ये लिखते हैं महिलाओं के लिए, महिला अधिकारियों के लिए। सुनो, ये कुकर्मी हम लोग जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत पुल नंबर 2 के पास रात में पुलिस और सेना के जवानों के साथ जमकर झड़प हुई। झड़प होने की वजह शराब पीना बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर जबलपुर पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह के मारपीट के वीडियो सामने आ रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्मी के जवान और पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई है। जानकारी के मुताबिक रात को जब पुल नंबर 2 के पास आर्मी के कुछ जवान शराब पी रहे थे, तभी अचानक ही ओमती थाना पुलिस की मोबाइल वैन वहां पहुंच गई और खुले में शराब पीने को लेकर उनसे पूछताछ की। तभी आर्मी के जवान पुलिस की पूछताछ से भड़क गए और दोनों पक्षों में ही जमकर मारपीट शुरू हो गई। एक तरफ जहां पुलिस आर्मी के जवानों के साथ मारपीट कर रहे थे, तो वहीं सेना के जवान भी पुलिस कर्मचारियों को पीट रहे थे। हालांकि कुछ देर बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सेना के जवानों को ओमती थाने ले आया। कुछ देर बाद ओमती थाना पुलिस ने सेना के जवानों पर बिना कुछ कार्रवाई कर ही उन्हें छोड़ दिया। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने थाना प्रभारी SPS बघेल से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया। होम साइंस कॉलेज परिसर में NSUI के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित होकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश की। जब अंदर जाने नहीं मिला तो छात्र मुख्य द्वार पर ही धरने पर बैठ गए। तभी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर लीला भलावी ने बाहर आकर छात्रों से आवेदन लेकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन को चेताया कि 15 दिन के अंदर उचित कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक बार जोर से छात्र हित का कलन हुआ तो छात्र हित
हमारे महाविद्यालय में कुछ परंपरागत विषय उन विषयों में इसके पूर्व में हिंदी में दो पद विद्याए हुए, इसी तरह से अन्य विषयों में भी हुए हैं। और चूंकि शासन के आदेशानुसार हम लोग हर सत्र में विद्यार्थियों की सीट बढ़ाते हैं, ऐसी स्थिति में परंपरागत विषयों में भी अतिथि विद्वानों की आवश्यकता होती है। क्योंकि विज्ञान में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही कक्षाएं संपादित करना होता है, तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ नियमित जो प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक जो 56 हैं, इसके पश्चात पद विरुद्ध अतिथि विद्वान भी हैं, और जितने भी स्वामित्व योजना से संचालित कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में भी अतिथि विद्वानों की व्यवस्था की जा चुकी है। 13 तारीख प्रवेश की अंतिम तिथि है, उसमें छात्रों की संख्या के अनुरूप हम लोगों की समय सारणी तैयार होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मापदंड जो 80 विद्यार्थियों की एक कालखंड होना चाहिए, उसके छात्रों यही मांग है। एक महीने पूरे सत्र होकर चालू हुए, मगर अभी तक क्लासेस नहीं लगी। कक्षाएं हो रही, ये हमारी अटेंडेंस रजिस्टर में आप लोग देख सकते हैं। साथ ही वो कुछ वॉशरूम को लेकर विवाद कर रहे हैं, देखिए ताले नहीं है, दरवाजे टूटे हुए हैं। तो अभी मैंने 4 और 5 को मेरे यहाँ पीआर टीम आई थी, सबने मैंने इतनी प्रशंसा करके मेरे छात्रावास मेरे महाविद्यालय की प्रशंसा करते गए हैं, तो मैं नहीं मानती। जहाँ 3456 विद्यार्थियों का आना जाना होता है वहाँ भाई उसका उपयोग होता है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु हमारे यहाँ लगातार जो अभी गाइयाँ हैं उनसे पूछ सकते हैं आप लोग, तीन बार वो दिन में उसकी सफाई करते हैं। जैसा कि बच्चे लोग कह रहे थे कि उसमें लॉक भी नहीं लगा है, तो लॉक की क्या समस्या है उनकी? जो चाहते हैं लॉक है वो हम लोग नियमित तो उसमें सुधार कार्य भी कराते हैं। और अभी पंद्रह साल बाद प्रदेश की सत्ता में आई कांग्रेस अब विदेशी निवेशकों को मध्य प्रदेश में आमंत्रित करने जा रही है। इसी साल अक्टूबर महीने में इंदौर में मैग्निफिशिएंट मध्य प्रदेश नाम से इन्वेस्टर मीट का आयोजन होने जा रहा है। ये जानकारी यूएसए का दौरा कर देश वापस लौट प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने मीडिया से रूबरू होते हुए दी। मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री भनोत ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में अब निवेश के लिए अनुकूल माहौल में, लिहाजा निवेशकों को कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई परेशानी अपना व्यवसाय जमाने में ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हो इसके लिए यूएसए के किसी बड़े ग्रुप को निवेश कराने के लिए सरकार की बात बनी है। वित्त मंत्री तरुण भनोत के मुताबिक प्रदेश सरकार मेडिकल टूरिज्म की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है ताकि देश विदेश के लोग स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश आ सके। प्रदेश में इन्वेस्टर मीट मानो काला अध्याय सा बन चुकी है। पिछली सरकार ने भी कई स्थानों पर इन्वेस्टर मीट कराई थी, लेकिन धरातल पर इसका क्या फायदा हुआ ये सभी जानते हैं। शासन की ओर से कुछ दिवस पूर्व ये मौका मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी ने के निर्देश पर। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यात्रा की शासकीय, जिसमें हमारे साथ पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल जी भी गए थे, साथ में प्रशासनिक अधिकारी आईएएस ऑफिसर भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री जी के साथ बनवाल जी, हमारे उद्योग विभाग के पीएस राजौरा जी और टूरिज्म के पीएस फैज अहमद किदवई जी। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो जिस सोच के साथ हम गए थे उसमें हमें सफलता मिली। पहली बात तो हमें भारतीय समुदाय के वहां पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, फ्रेंड्स ऑफ गुजरात, मेरा इंडिया न्यू इंडिया, जो न्यू जर्सी में था,
उसमें मैं शामिल हुआ, हमारा प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और वहां पर इस बात को देखकर बड़ा मन अभिभूत हुआ कि अपने देश से इतनी दूर जाकर भी जो हमारी संस्कृति है वो आज भी जो हमारे प्रवासी वहां रह रहे हैं उस देश के नागरिक होने के बावजूद भी पूरी तरह से उसकी रंग ढंग में, जैसे हम यहाँ जो अपना त्यौहार मनाते हैं, साथ में इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं और जितना मातृभूमि से हम अपनी प्यार करते हैं तो वह भी अपनी मातृभूमि से उतना ही प्रेम आज भी रखते हैं, भले उनकी कर्मभूमि आज यूनाइटेड स्टेट्स बन चुका है। उनको भी आमंत्रित किया। अक्टूबर में मध्य प्रदेश सरकार एक दिवसीय एक इन्वेस्टर्स मीट इंदौर में करने जा रही है, मैग्निफिशेंट मध्य प्रदेश, कि वह भी आए और अपना योगदान मध्य प्रदेश के विकास में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने हेतु दें। इसके अलावा न्यूयॉर्क में बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएनसीज हैं, उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बदले हुए परिवेश में, बदले हुए माहौल में जो हमने उनको मध्य प्रदेश की आज की जो वातावरण है, विशेष तौर पर निवेश के लिए औद्योगिक क्षेत्र में जब उससे अवगत कराया तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने मध्य प्रदेश को एक हॉट डेस्टिनेशन माना। जी हाँ, अब मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल अनुकूल है कि हम आकर यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को लाभ भी मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था सुधारने में भी हमें। मुहर्रम की 10 तारीख को अपरान सदर आला कोठी घंटाघर समीपस्थ इमामबाड़े में आयोजित मुस्लिम में मौलाना सैयद अली हैदर ने जाकरी बयान की। मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में हजरत इमाम अली मुकाम की बेमिसाल कुर्बानी पर रोशनी डालते हुए मुस्लिमों का आह्वान किया कि वे इमाम की कुर्बानी का मकसद समझें और उनके बताए रास्ते पर चलें। हजरत इमाम हुसैन ने जुल्मे के खिलाफ कुर्बानी देकर इंसानियत को बचा लिया। मुल्जिम के उपरांत मातमी जुलूस निकाला। जुलूस के आगे शिया नवयुवक मातमी नोहे और मर्सिया पेश कर रहे थे। जुलूस में शिया मुस्लिमों ने जंजीरों का दर्दनाक मातम किया। मातम करने वालों की छाती और पीठ खून से लहूलुहान हो गई। जुलूस पथ के दोनों ओर खड़े दर्शकों ने मातम का दर्दनाक नजारा देखा। उमती चौक गुरंदी गलगला होते हुए मातमी जुलूस का शिया इमामबाड़े में समापन हुआ। ये जो जुलूस है, ये किसको लेकर जुलूस ये निकाला? ये हमारे मोहम्मद साहब आज से 1400 साल पहले जब उन्होंने अल्लाह की किताब लाई और बताया कि खुदा है और वो इंसानियत का पैगाम बन के आए थे लोगों को सच्चाई की राह पर चलने के लिए। उनके बाद उनके नवासे के साथ यजीद नामक एक आतंकवादी पैदा हुआ जो वहीं अरब में पैदा हुआ था और उसने मोहम्मद साहब के नवासे को सच्चे रास्ते पे चलने से रोका, अवरोध पैदा किया और उन पे अत्याचार किए। वो 1400 साल तक की सदी में, मतलब 1400 साल के दरमियान वो पहला आतंकवादी था जो यजीद नामक, और उसने मोहम्मद साहब के नवासे और उनके घर के बच्चे, उनकी औरतें, उन सब पे अत्याचार किया उसने। और ये हम लोग उनकी याद भी मनाते हैं क्योंकि हम उसी ख़ानदान, उसी परिवार से हैं। मोहम्मद साहब के ख़ानदान और परिवार से हम लोग सैयद हैं। सब शिया समुदाय का ये जुलूस है और ये खाली उनकी याद नहीं मना रहा है, ये उस अत्याचारी जो राजा था यजीद नामक उसका विरोध भी कर रहे हैं हम लोग। ये विरोध प्रदर्शन है। जो काले कपड़े हम लोग पहने हैं ये उस अत्याचार का विरोध कर रहे हैं जो दुनिया में मेरे ख्याल से पहला आतंकवादी था, उसका विरोध कर रहे हैं और उनकी शहादत का गम भी मना रहे हैं, उनको याद भी कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चलता रहे कि मोहम्मद साहब जो आए थे उनका नवासा जो था वो सत्य के रास्ते पर चल रहा था और यजीद जो था वो अत्याचार था, वो झूठ के रास्ते पर चल रहा था और उनने अपने दौलत, जुल्म और अपनी हुकूमत के बल पर ये प्रचार कर दिया कि कोई मोहम्मद नहीं आया, कोई किताब नहीं आई और कोई खुदा नहीं है। जबकि शुजात अली रिजवी, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है और इमाम हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे थे, जो मोहम्मद साहब के नवासे थे। जो दीन मोहम्मद साहब इस दुनिया में लेकर आए थे वो जो लोगों तक पहुंचाया उसको बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला का मैदान मुंतखब किया। और चूँकि जो दीन मोहम्मद साहब लेकर आए थे वो हक़ का पैगाम था, इंसानियत का पैगाम था और वो ये चाहते थे कि इंसानियत और हक का पैगाम दुनिया में आम हो। उसी पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए उनके नवासे इमाम हुसैन ने ये काम अपने ज़िम्मे लिया और लोगों तक हक पहुंचाना चाहा। लेकिन उस ज़माने में एक यजीद नामी शख्स जो उस ज़माने का आतंकवाद था,
जो ये चाहता था कि हक का बोलबाला ना हो, हक दूसरों तक ना पहुंचे, इंसानों तक ना पहुंचे, लोग इंसान ना कहलाए जाएं। वो कहता था कि कोई मोहम्मद नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। इमाम हुसैन जो मोहम्मद साहब के नवासे थे, वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि नहीं, दीन भी है, इंसानियत भी है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आतंकवाद के खिलाफ ये मोर्चा इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लिया, औरतों को साथ लिया, और वो हक के खिलाफ, हक के आवाज़ उठाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ उसके सामने आए। लिहाजा उनको 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया गया। और ये पैगाम जो इमाम अपने बच्चों को और औरतों को लेकर आए थे, ये बता रहा है कि इमाम जंग करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हक का पैगाम देने आए थे। लेकिन आतंकवाद के जो लोग थे, जिसका नाम यजीद था, वो ये चाहता था कि हक लोगों तक ना पहुंचे, इंसानियत दोनों लोगों तक ना पहुंचे। इस वजह से उसने 3 दिन तक उन्हें भूखा प्यासा रखा और उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद आतंकवाद का जुल्म सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, बल्कि उसके बावजूद उनके खैमों को आग लगा दी गई और उनके बच्चों को कैद कर लिया गया। और ये जो प्रोग्राम है, बहरहाल जो चल रहा है मोदी साहब और मोदी जी की हुकूमत में, उनके भी बहरहाल आ गए। मीसम रजा। मध्य प्रदेश बचाओ, कांग्रेस सरकार भगाओ। 9 महीने की कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपा ने घंटानाद आंदोलन किया। इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर घंटा, घड़ियाल, ढोल, मंजीरे बजाकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस आंदोलन का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने किया। घंटानाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी 14 मंडलों के कार्यकर्ता ढोल, नगाड़े, मंजीरे और घंटे बजाते हुए नौदार ब्रिज पर एकत्रित हुए, जहां से पैदल मार्च करते हुए सभी घंटाघर से कलेक्ट्रेट के लिए निकले। वहां पहुंचकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जानकारी के अनुसार यह आंदोलन प्रदेश की 9 महीने की कांग्रेस सरकार को उसकी वादा खिलाफी के लिए नींद से जगाने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया। वहीं प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने के लिए भी विफल साबित हुई है। इसी प्रकार युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने के नाम पर ठगा गया। प्रदेश में बिजली कटौती, भावांतर भुगतान, समर्थन मूल्य का भुगतान जैसे मुद्दों पर मध्य प्रदेश बचाओ, कांग्रेस भगाओ के नारे के साथ घंटानाद आंदोलन किया गया। और खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।